दोस्तों, दूध इस ग्रह पर सबसे लोकप्रिय और महत्वपूर्ण पेय पदार्थों में से एक है। दिलचस्प बात तो यह है कि दूध बहुत प्राचीन संस्कृतियों में संबंध रखता है और मानव इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। आज से करीब 10,000 साल पहले कृषि में उलझाव से भी पहले लोग पशु को चराते और दूध पीते थे। यही बात दूध को मानव के पहले भोजन में से एक बनाती है। आपने तो ये भी सुना ही होगा कि देवतागण और प्राचीन सुमेर के राजा मजबूत और अमर बनने के लिए दूध पीते थे। सच बात तो ये है कि दूध है ही कुछ ऐसा कि जब हम बच्चे होते हैं हम इसे पीते हैं और जब हम बड़े होते हैं हम इसे आइसक्रीम से कॉफ़ी तक सब कुछ में इस्तेमाल करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में जिसका नाम है अद्भुत रहस्य। और आज इसी कड़ी में हम आपको बताएंगे दूध से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब किए शुरू करते हैं और जानते हैं दूध के खासियतों के बारे में। पहला, क्या आप जानते हैं एक ब्राजील के क्लिनिक में 80 वर्षीय एक महिला की मौत हो गई जब एक छात्र नर्स ने उसे 4 लाइन के माध्यम से गलती से कॉफी और दूध को दे दिया था। दूसरा, एक औसत गाय हर दिन 90 गिलास दूध पैदा करती है तथा अपने पूरे जीवन में 350,000 गिलास मिल्क पैदा करती है। तीसरा, दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि 8 औंस दूध के गिलास जितनी कैल्शियम की मात्रा प्राप्त करने के लिए आपको 1/4 ब्रोकली, 7 संतरे या गेहूं की रोटी के 6 स्लाइस खाने पड़ते हैं। चौथा, प्राचीन यूनानियों ने दूध को दवा के रूप में इस्तेमाल किया और उनके ओलंपिक एथलीटों ने दूध के साथ खुद को ताकत दी थी। पांचवा, क्या आप जानते हैं दोस्तों, लैक्ट्स की दृढ़ता एक वयस्क के रूप में दूध को पचाने की क्षमता मनुष्य की क्षमता एक अद्वितीय उत्परिवर्तन के रूप में यूरोपियों और यूरोपीय वंश के लोगों के बीच आम है। 90% एशियाई और 100% मूल अमेरिकन सहित अधिकांश वैश्विक आबादी में लैक्टोज की कुछ डिग्री असहनीयता होती है। छठा, एक गाय का थन 25 से 50 पाउंड दूध रख सकता है। सातवा, दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, नेरो की पत्नी और क्लियोपेट्रा दोनों अपनी त्वचा को फिर से जीवंत करने के लिए दूध में स्नान करने के लिए नियमित रूप से ज्ञात थी। नेरो की पत्नी अपनी बाथटब को दूध से भरा रखने के लिए 50 गधे रखी थी ताकि शरीर की सभी बीमारियों और धब्बे को दूर कर सके। आठवां, वे किसान जिन्होंने किसी नाम से अपनी गायों को बुलाया है उन लोगों ने ऐसा ना करने वालों की तुलना में 258 लीटर अधिक दूध उपज दर्ज किया है। नौवा, दोस्तों क्या आप जानते हैं अधिकांश गायों ने संगीत को सुनने के दौरान अधिक दूध दिया है। दसवा, पूर्वी एशिया में मंगोलिया में दूध का भारी मात्रा में इस्तेमाल किया गया था लेकिन चीन में दूध की खपत अलग अलग शैली में परिवर्तित होती रहती थी। दक्षिण कोरिया से आयातित गायों से जापानी डेयरी उत्पादों का उपभोग किया गया था। ग्यारहवा, दोस्तों आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दूध की बाल्टी में एक मेंढक डालने से दूध को खारा होने से बचाने का एक प्राचीन रूसी तरीका था। इस पद्धति का अध्ययन करके वैज्ञानिकों ने नए एंटीबायोटिक पदार्थों के धन की पहचान की है। बारवा, याक का दूध गुलाबी होता है, क्या बात है। तेरा, दूध ही एकमात्र पूर्ण खाना है जिससे आप पूरी तरह से जीवित रह सकते हैं, जिससे आपके शरीर के हर पोषक तत्व को जीवित रहने की आवश्यकता होती है। चौदवा, दोस्तों प्लेटिपस यानी कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला जल जंतु जिसकी चोंच बत्तख जैसी होती है, उसके पास कोई निपल्स नहीं होते हैं और दूध सिर्फ उसकी त्वचा से बहता है। पंद्रहवा, दोस्तों ऊंट के दूध से दही नहीं जमाया जा सकता है। सोलवा, दूध नॉर्थ डकोटा का आधिकारिक राज्य पेय है। सत्रहवा, दोस्तों जो देश दूध पीते हैं वो स्मार्ट है और नोबेल पुरस्कार जीतने में ज्यादा सक्षम है। अठारहवा, दोस्तों दूध प्रोटीन का प्रयोग लेटेक्स के निर्माण में किया जाता है जिसका अर्थ है ज्यादातर कंडोम में दूध प्रोटीन होता है। 19वां, कनाडा में गाय को कृत्रिम हार्मोन से दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए देने के लिए अवैध है। 20वां,
दोस्तों दुनिया भर में 65% दूध की खपत बकरी के दूध की ही है। तो दोस्तों दूध से जुड़ी रोचक तथ्यों का वीडियो यही हुआ समाप्त। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य ही बताएं। वीडियो पसंद तो आई होगी, इसको लाइक कीजिए और दुनिया के कोने कोने तक अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। हमारे मनोबल को बढ़ाए रखने के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और देखते रहिए अद्भुत रहस्य। हम फिर से मिलेंगे एक नए दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक ख्याल रखिए, नमस्कार।